वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पातोंडा रोड पर स्थित अचीवर्स नेक्स्ट स्कूल में ए बी पी और स्कूल प्रबंधन के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। दरअसल ए बी पी के छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर गुंडागर्दी और अभद्रता का आरोप लगाया कि यहां मान्यता सिर्फ 8वीं तक है, इसके बावजूद 12वीं तक कक्षाएं लग रही है। वहीं जब मामला बढ़ा तो छात्र शिकायत दर्ज कराने लालबाग थाने पहुंचे। पहले तो शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन छात्रों में आक्रोश को देखकर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं आपको बता दें कि स्कूल संचालक समीर गुप्ता ने सभी आरोपों को बुनियाद बताया है और कहा है कि 9वीं से 12वीं तक कोई कक्षाएं नहीं लग रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए तहसीलदार रामलाल पगारे लालबाग थाने पहुंचे। वहीं आपको बता दें जहां उन्होंने छात्रों को समझाइश देकर शांत किया। तोंडा रोड पर अचीवर नेक्स्ट बुरहानपुर स्कूल है, यहां पर एक स्कूल 8वीं तक संचालित है। तो यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों के द्वारा ये कहना है कि वो बातचीत करने गए थे, वो उनको कहीं से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 9वीं से 12वीं तक भी स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है, जो कि इनकी मान्यता नहीं है। तो उसी के संबंध में आपस में थोड़ी सी उनके बीच में वो हो गया, मतभेद हो गया, उसी संबंध में यहाँ पर हम थाने में। सर ये शिकायत है कि एबीपी वाले अपने आप को बताते हैं, आप खुद देख रहे हो कि आपके सामने किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग बोलते हैं हमको कि हमारी लैंग्वेज सुधारी, आप खुद देखिए वो जो स्कूल के ओनर है उनसे बोलते हैं ए भैया ये कौन सी लैंग्वेज है, आप खुद बताइए ना। और ये बोलते हैं कि हम आपको सिखाएंगे एबीपी, ये बच्चों के साथ देंगे, ये कौन सा साथ देने वाले, ऐसी लैंग्वेज, यही लैंग्वेज वो स्कूल में भी बात कर रहे थे। तो इनकी लैंग्वेज सही है, इनके चक्कर में इनके जो वहाँ पे आके जो इन्होंने हरकतें करी इसके चक्कर में हमारी एक टीचर बेहोश हो गई, अभी एडमिट है वो हॉस्पिटल में इनके कारण। और ये जिस लड़के का बता रहे हैं ना वो खुद एबीपी में था, जो ये बोल रहे कि जो लड़का ड्रिंक करके आया था वो खुद एबीपी में वो लड़का है, आप खुद इनसे पूछिए। कार्यकर्ता एक अचीवर्स नेक्स्ट अकेडमी करके है, वहाँ बात करने गए थे मान्यता की, तो उनके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया गया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया और यानी उनसे मान्यता मांगी तो दिखाई नहीं गई, और कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और गाली गलौज की। हम लोग अचीवर्स नेक्स्ट एकेडमी करके एक स्कूल चल रही है गुरुसिक नगर के आगे पाटुंदा रोड पर, तो उसी की हम लोग वहाँ पर बात करने गए थे, इन्फॉर्मेशन लेने गए थे कि अगर स्कूल संचालित किए तो वो पूरी व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम विद्यार्थियों के हित के लिए काम करते, तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि स्कूल व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है उसका पता रखे। तो हम उसी के लिए पता करने के लिए गए थे, तो वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा हमारे से अभद्र रूप से व्यवहार किया गया, हमारे लिए गुंडे बुलाए गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, हमको 100 डायल आने के बावजूद भी मुझे धमकी दी गई कि आपको हम बाहर देख लेंगे। दूसरी चीज, हमको नेताओं से फोन लगवाकर हम पे दबाव बनाया गया कि आप किसी भी प्रकार की FIR दर्ज नहीं करवाओगे, और वहाँ पे ऐसे दारू का सेवन करके असामाजिक तत्व स्कूल में घुस रहे। तो मैं पूछना चाहूंगी स्कूल प्रशासन से कि वहां पर छात्र छात्राएं बच्चे कैसे सुरक्षित थे।